धर्म, संस्कृति और इतिहास के लिए मशहूर विदिशा शहर में गणेश प्रतिमाएं भी सदियों पुरानी मिलती हैं। यूं तो गणपति जी की देश में बहुत सारी मंदिर हैं, लेकिन विदिशा का चिंतामणि गणेश मंदिर बहुत ही आकर्षक है। यह मंदिर प्राचीन मंदिरों में से एक है। इसकी स्थापना स्वयं इंद्र ने की थी और सभी चिंताओं को हरने वाले चिंतामणि गणेश के मंदिर की कहानी भी काफ़ी अद्भुत है। आइए जानते हैं। देवता ने जो है इस मंदिर की, इस प्रतिमा की स्थापना की है। इंद्र देवता को श्राप लगा था ब्रह्महत्या का। ब्रह्महत्या का जब श्राप लगा तो श्राप की छुटकारा पाने के लिए वो ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि आप जो है भारत के मध्य में जो है वहाँ मूर्ति की स्थापना करो, सिद्धि विनायक की। दाहिनी सूंड वालों को सिद्धि विनायक कहते हैं, तो इसके बाद में आप उनकी पूजन अर्चन विधिवत करो तो तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। तो भारत के मध्य में बिल्कुल बीचों बीच में ये स्थान है। यहाँ पहले तालाब था, उस तालाब के मध्य में भगवान की सिद्धि विनायक की स्थापना उनने करके और इंद्र देवता ने यहाँ विधिवत पूजन किया और इसके बाद में वो श्राप मुक्त हो गए। तब से इसका नाम जो है उनकी चिंता मुक्त हुए तो चिंतामणि नाम भी उनका है। और यहाँ जो है तालाब भी, पहले जब मूर्ति की स्थापना हुई थी तब यहाँ खुदाई की गई थी, इसलिए कि इसका मुख जो है सड़क की तरफ हो जाए। तो खुदाई करने के पहले पर्ची डाली, पर्ची में मना आ गई, लेकिन इसके बाद में भी जो है तो नहीं माने लोग खुदाई की, तो बहुत तेज़ी से पानी निकला तो उसको वहीं ढक दिया गया और फिर मूर्ति को जैसे वैसी ही स्थिति में रह करके मंदिर बनाया और मंदिर का जो है जीर्णोद्धार किया गया। अच्छी सिद्धि जो है, जब मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ लगभग 200 साल पहले, तब इनकी स्थापना की गई थी। गणेश जी जो है यहीं से जमीन में से निकले हैं, इनको जो है स्वयंभू गणेश जी भी कहते हैं। और यहाँ जो है भगवान के गणेश जी के मंदिर में लोग आते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं नारियल के साथ में, तो उनकी मनोकामना पूरी होती है और चित्ता चंदा से मुक्त हो जाते हैं।